बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद उमैर। मैं आप तमाम लोगों को अपने YouTube चैनल जॉब्स रोज़ाना में खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है, जॉब्स के हवाले से जो भी कोई नई मालूमात आती हैं वो मालूमात मैं डेली आप लोगों के साथ अपने चैनल में शेयर करता हूँ और मुकम्मल डिटेल देता हूँ कि आप लोग जॉब के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपने इस वीडियो में जॉब के हवाले से एक और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि गवर्नमेंट की जानिब से जो ख़वातीन के लिए खसूसी तौर पर फ़ीमेल्स के लिए नौकरियों का ऐलान किया जा चुका है उनकी क्या तफसीली मालूमात हैं और फ़ीमेल्स गवर्नमेंट टीचर की नौकरी के लिए अप्लाई कैसे कर सकती हैं। तो बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो कि इंतज़ार में होती हैं कि टीचर्स की नौकरियां कब आएंगी और हम लोग कैसे अप्लाई कर सकेंगे। तो वो नौकरियां आ चुकी हैं और आप लोग आज के दिन से ही अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई बिल्कुल फ्री होगा, किसी किस्म की कोई फ़ीस नहीं है। जस्ट आप लोगों ने दिए हुए एड्रेस के ऊपर डॉक्यूमेंट्स को फॉरवर्ड करना है और आप लोगों का अप्लाई हो जाएगा। मुकम्मल मालूमात के लिए वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वीडियो देखिएगा लाजमी तौर पर और वीडियो देखने के बाद आप लोग फिर मुझसे क्वेश्चन कर लीजिएगा अगर कोई बात समझ में ना आए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि वीडियो देखे बिना ही कमेंट्स कर देते हैं कि जी अप्लाई करने का तरीका बता दें। मेरा फिर यही जवाब होता है कि वीडियो में सब कुछ बताया जा चुका है, तो आप वीडियो को एक बार देख लें ताकि आपके लिए काफ़ी आसानियाँ हो जाएँ। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूँगा, लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और जॉब से रिलेटेड हर तरह की वीडियोज़ आप डेली देखना चाहते हैं तो आप लोग सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि जॉब से रिलेटेड आने वाली तमाम वीडियोस सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाएं और आप आसानी जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। तो अब चलते हैं जॉब से मुतालिक तफसीली मालूमात लेने के लिए और अप्लाई करने का तरीका जानते हैं कि फ़ीमेल्स के लिए जो नौकरियों का ऐलान किया जा चुका है उनकी क्या मालूमात हैं, अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है, एप्लीकेशन कैसे सबमिट करवानी है फ़ीमेल टीचर्स की नौकरी के लिए। तो दोस्तों बड़ा ही सिंपल सा मेथड है, आप लोग अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन करें, अपने ब्राउज़र के सर्च बार में जाएं और जॉब रोज़ाना लिखें तो गूगल में जॉब रोज़ाना आ जाएगा। जॉब रोज़ाना के नाम के ऊपर क्लिक करें, आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी और इस वेबसाइट के ऊपर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि बेशुमार नौकरियाँ मौजूद होती हैं डेली बेसिस पर जिनकी अनाउंसमेंट की जाती हैं। फीमेल टीचिंग जॉब 2023 अनाउंस, गवर्नमेंट एजुकेटर जॉब 2023 फॉर वुमेन। तो आप लोगों ने जॉब के टाइटल के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही दोस्तों आप लोग जॉब के टाइटल के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने इस जॉब से रिलेटेड जो भी तफसीली मालूमात होंगी इन तमाम मालूमात की डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी कि खवातीन के लिए कौन कौन सी नौकरियां हैं जिनकी अनाउंसमेंट की जा चुकी हैं और उसके लिए डिटेल्स आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि कौन कौन सी नौकरियों के लिए डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ पर जॉब्स के टाइटल भी मौजूद हैं जिसमें साइंस, इंग्लिश, साइंस, मैथ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, फिजिकल साइंस वगैरह की नौकरियाँ मौजूद हैं। और उसके बाद आप लोगों ने पेज को स्क्रॉल करना है तो जॉब की अनाउंसमेंट डेट 4/7/2023 है, अप्लाई करने की लास्ट डेट 25/7/2023 है। मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल हैं, मेल के लिए अलग कैटेगरीज की नौकरियां हैं, फीमेल के लिए टीचर्स की नौकरियां हैं जो कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। ग्रेजुएशन कम से कम तालीम होनी चाहिए टीचर्स के लिए अगर आप लोग अप्लाई करना चाहती हैं। मल्टीपल टीचर्स की नौकरियाँ कॉन्ट्रैक्ट बेस की हैं और ये फुल टाइम की पोस्ट हैं। तो असल बात यह है कि अब आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है देख सकती हैं वो तमाम खवातीन कि यहाँ पर प्रिंसिपल के लिए फ़ीमेल की नौकरियाँ मौजूद हैं, बायो की नौकरियाँ मौजूद हैं, इंग्लिश, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स बैचलर डिग्री होनी चाहिए। मास्टर वालों को प्रेफरेंस दी जाएगी। यहाँ से आप लोग इस फॉर्म को कट आउट कर लीजिएगा, मैट्रिक के मार्क्स लिखिएगा, इंस्टीट्यूट लिखिएगा, मार्क्स वगैरह जो भी होंगे इसको फिल करने के बाद आप लोगों ने तमाम डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ को अटैच करना है इसके साथ और मौजूदा एड्रेस के ऊपर फॉरवर्ड कर देना है। लास्ट डेट से पहले पहले जब आप लोग एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर रहे होंगे आपकी एप्लीकेशन में आपकी CV भी होनी चाहिए, आपकी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स भी होनी चाहिए, डोमिसाइल भी होना चाहिए, इन तमाम चीज़ों को अटैच करवाना है। एक और बड़ी अहम और ज़रूरी बात, CV के ऊपर नंबर आप लोगों का दुरुस्त होना चाहिए और उसके बाद जब आप लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल या मैसेज किया जाएगा तो आप लोगों ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ जाना है। जहाँ पर आप लोगों को कॉल करके बुलाया जाएगा वहाँ पर आप लोगों का इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आप लोगों की सिलेक्शन हो जाएगी। बाकी दोस्तों अगर आप लोग इस तरह से कोई भी जॉब की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब लाजमी करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी जॉब की इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।